अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू दी अनदर वीडियो। तो आज यार बहुत ज़्यादा आप लोगों की डिमांड आ रही थी, मैं कमेंट सेक्शन पढ़ता रहता हूँ, आप लोग कमेंट किया करें। सारे मैं कमेंट पढ़ता हूँ, ठीक है, उसको हार्ट भी देता हूँ। काफ़ी ज़्यादा डिमांड आ रही थी कि भाई आप वीडियो बनाएं हाउ टू चेक आईफोन बिफोर बाइंग। तो काफ़ी ज़्यादा बंदों को नई इन्फॉर्मेशन होती कि किस तरह चेक करें हम 10 से 15 या 20 मिनट के अंदर आईफोन हमारा ओरिजिनल है, ठीक है, वाटर पैक है और ओरिजिनल है, बिल्कुल ठीक है। मैं आपको आज बताऊंगा कि आपने 10 से 15 मिनट के अंदर कैसे ऑल टू ऑल आईफोन चेक करना है। तो सबसे पहले तो अब हमारे पास दो फ़ोन आ चुके हैं, एक है नॉन पीटीए और एक जेवी। जेवी इसलिए साथ रखा है क्योंकि आपको अक्सर बंदे होते हैं शॉपकीपर भी और लोकल ओएलएक्स के ऊपर भी जो फ़ोन सेल कर रहे होते हैं वहाँ पर भी बंदे कुछ ऐसा स्कैम कर जाते हैं, नॉन पीटीए फ़ोन कह के जेवी सेल कर देते हैं। जेवी फ़ोन होता है नॉन पीटी क्या है कि सेल कर देते हैं ज़्यादा प्राइस में। तो उनके अंदर भी मैं आज आपको इंशाल्लाह डिफरेंस बताऊंगा कि क्या डिफरेंस है, जिससे आपको पता लग जाएगा कि फ़ोन नॉन पीटी है या जेवी है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को दबा लें ताकि आपको नई आने वाली इंटरेस्टिंग वीडियोज़ का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके मोबाइल स्क्रीन पर हो। और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लें, हरमैन शाह 01 हमारा इंस्टाग्राम आईडी है, वहाँ पर आप फॉलो कर लें। कोई भी क्वेश्चन वगैरह हो आपका, कोई भी डाउट वगैरह हो, हमें वहाँ पर फॉलो कर लें और वहाँ पर मैसेज कर सकते हैं डीएम में, ठीक है। और इंशाल्लाह सून जून के अंदर हम एक स्पेसिफिक इंस्टाग्राम आईडी बनी हुई है उसके ऊपर हम काम शुरू कर देंगे आईफोन सेल परचेज का इंशाल्लाह। उसको भी लाजमी फॉलो कर लें, हरमैन शाह 4 के नाम से वो इंस्टाग्राम आईडी है, उस पर भी फॉलो कर लें। व्लॉगिंग चैनल है हमारा सेकंड और वहाँ पर भी मज़े मज़े के व्लॉग्स आते रहते हैं, तो सब्सक्राइब कर लें उसको भी लाजमी। तो बगैर आपका ज़्यादा टाइम जाए किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारे पास आ चुके हैं दो फ़ोन, एक जेबी एक नॉन पीटी है। दोनों में आपको डिफरेंस पता लग जाएगा कि कौन सा जेबी और कौन सा नॉन पीटी है। तो सबसे पहले तो आपने फ़ोन, अब ये नॉन पीटी इसको देख लेते हैं किस तरह आपको पता लगेगा कि आपका फ़ोन ओरिजिनल है। आप ओएलएक्स से बाय करने जा रहे हैं ऐड, वहाँ से आप भाई देख के जाते हैं कि मैंने फ़ोन परचेज करना है। आपको अगर उसका रेट वगैरह भी पसंद आया, फ़ोन भी ठीक लग रहा है पिक्चर्स में, तो वहाँ पर आप किस तरह चेक कर सकते हैं। अगर आप किसी शॉपकीपर के पास जाते हैं तो वहाँ पर भी आपको इंशाल्लाह 10 से 15 मिनट में आपको पता लग जाएगा। सबसे पहले तो आपने फ़ोन को चेक करना है कि फिज़िकली आपने चेक करना है इसको, कहीं से भी आपको फ़ोन खुला हुआ लगे, ठीक है। जो फ़ोन रिपेयर हुआ होता है ना या एलसीडी वगैरह चेंज होती है, खुला होता है फ़ोन, तो वो आपको ना यहाँ से स्लाइटली आप अगर गौर से देखेंगे ना स्क्रीन को, एलसीडी को, तो वहाँ पर ना आपको कहीं ना कहीं से खुला हुआ नज़र आएगा फ़ोन, यानी जेल वगैरह के निशान वगैरह नज़र आएंगे थोड़े से। आपने बड़े गौर से देखना है, ठीक है, यहाँ से आपको पता लग जाएगा कि फ़ोन खुला हुआ है या नहीं। और उसके बाद आपने बैक पे भी चेक करना है क्योंकि अक्सर होता है कि किसी की बैक ब्रेक हुई होती है आईफोन की तो वो पता नहीं लगता, तो आपने साइडों से चेक करके देखना है फ़ोन। आपने फ़ोन को चेक करना है सब पीछे से भी कि यहाँ पर भी खुला वगैरह सीन तो नहीं है, यहाँ से भी कोई जेल वगैरह आपको शोर ही होगी, छोटे छोटे डॉट या कोई थोड़ा सा इनबैलेंस होगा, यानी बैग थोड़ी सी इम्बैलेंस होगी तो वो वहाँ से भी आपको पता लग जाएगा। कई ऐसे शॉपकीपर होते हैं जो बहुत ही एक्सपर्ट होते हैं फ़ोन को रिपेयर करने में, तो वो भी आपको कई दफ़ा पता नहीं लगता कि वो फ़ोन सील पैक है या नहीं, यानी सील पैक से मतलब वाटर पैक है कि नहीं। जैसे ही आप बहुत गौर से देखेंगे तो आपको समझ आएगी कि भाई अगर कहीं से भी उभरा हुआ थोड़ा सा या पार्टिकल आपको जेल का नज़र आता है फ्रंट और बैक में, तो आपको पता लग जाएगा ये फ़ोन खुला हुआ या नहीं। और अगर आप बिल्कुल ही शॉर्ट वे में चेक करना चाहते हैं तो एक तरीका तो आप फिज़िकल चेक कर रहे हैं, अगर आपके पास टाइम नहीं है, कमी है टाइम की, तो सबसे ईजिएस्ट वे है आप सिम इंजेक्शन टूल अपने साथ रखें की रिंग के अंदर और जाते ही फ़ोन को खोल लें, ठीक है। आपको ये खुल गई सिम इंजेक्शन टूल, ठीक हो गया, तो यहाँ से आपने अपने ना मुंह से हवा अंदर देनी है, ठीक है, ऐसे चेक करेंगे ना। आपको किधर से भी महसूस हो रहा हो कि कहीं से भी हवा आपको टच हो रही है फेस को, ठीक है, तो समझ जाइएगा कि साथ ये भाई फ़ोन खुला हुआ, ठीक है। अब मैं ये अगर आपको कहीं से भी हवा नहीं आ रही तो इसका मतलब है फ़ोन बैटर पैक है। ये देखें आप, तो भाई ये फ़ोन बिल्कुल वाटर पैक है, ठीक है, खुला हुआ नहीं है फ़ोन। और उसके बाद आपने इसके कैमरास वगैरह, फ्रंट कैमरा, फ्रंट और बैक कैमरा देखना है,
ठीक है, अगर फोन खुला हुआ तो यहाँ पर कोई ना कोई थोड़ा छोटा छोटा ना कह सकते हैं कि आपको लाइट लाइट से पार्टिकल आपको शो हो रहे होंगे, ठीक है। अगर ना भी शो हो रहे हो तो वो भी थोड़ा थोड़ा आपको अंदर से ना मतलब महसूस होगा कि कोई फ़ोन के अंदर कैमरे के अंदर कोई मसला है, ठीक है। तो मैं इसको फ़ोन चेक कर लेता हूँ ये खुला हुआ है कि नहीं, मतलब इसका कैमरे में देख लेता हूँ। तो आप ये देख ले, मैंने इसके अंदर हवा वगैरह भी आ रही है अंदर फ़ोन के, तो लेकिन फिर भी यहाँ पर कोई भी मतलब भाप वगैरह नहीं है। अक्सर फ़ोन जो खुले होते हैं उनके अंदर भाप वगैरह आ जाती है। अब रिसेंटली मैं एक शॉप पे गया, वहाँ पर जाके दोस्त ने लेना था फ़ोन, ठीक है। तो वहाँ पर जाके मैंने उसको इसी तरह चेक किया तो सामने वाली स्क्रीन के ऊपर, अब वो शॉप के ऊपर बहुत दावा कर रहा है कि भाई वाटर पैक फ़ोन है, खुला नहीं हुआ। अब मैंने उसके अंदर जब जैसी हवा मारी, अब ये देखें आप, ये भी आप चेक कर सकते हैं सामने कि कोई यहाँ पर भाप वगैरह नहीं आई, टोटली ओरिजिनल फ़ोन निकला है, ठीक है। उसके अंदर भाप आ गई थी फ्रंट कैमरा के अंदर, ठीक है। तो ये दो से तीन मेथड थे जिसके आप देख सकते हैं कि ये फ़ोन वाटर पैक है या नहीं। और सेकेंडली आपने क्या चेक करना है, सबसे पहले आपने जाना है यहाँ पर डिस्प्ले चेक करने के लिए, मोस्टली यही तरीका यूज़ होता है। आप ये देखें, आप ये ट्रू टोन ऑन है। अगर आप पहले तो आपको पता लग गया ना कि भाई फ़ोन खुला हुआ नहीं है, दूसरी चीज़ आपको यहाँ से पता लग जाएगा। आप कुछ लोग कहेंगे कि ट्रू टोन तो वैसे भी एक्टिव हो जाती है, लेकिन आप फिर भी एक कह रहा हूँ कि जजमेंट आपको थोड़ी सी हो जाएगी। जाहिर बात है फ़ोन खुला नहीं हुआ, और साथ में आपके कलर से भी आपको इसके पता लग जाएगा, ग्राफिक से पता लग जाएगा कि फ़ोन की एलसीडी ओरिजिनल है या फिर चेन है डिस्प्ले उसका, ठीक है। डिस्प्ले चेंज है या उसका सेकेंड कॉपी फर्स्ट कॉपी जैसे होती है, तीन चार कैटेगरीज हैं, उसके ऊपर बाद में डिस्कस करेंगे। उसके बाद आपने क्या चीज़ चेक करनी है, बिल्कुल वाइट इंटरफेस करना है आपने डिस्प्ले चेक करने के लिए। डॉट मोस्टली दो तरह के डॉट है। अब हाँ, आपने सीधी जाके वाइट बिल्कुल, ये आप अपना डायल पैड खोल लें जहाँ से आप कॉल करते हैं वहाँ पर खोलें, फ़ोन को सही से चेक करें कि कहीं से आपको डॉट वगैरह तो नहीं शो हो रहा, माइनस अभी, ठीक है। आपको जब आप फ़ोन चीप में मिल रहा होता है वहाँ से भी आपको धोखा दे सकते हैं, अंदर कोई इश्यू हो सकता है, तो आप ये भी चेक कर सकते हैं। साथ ही एक तो वाइट स्क्रीन वाला डॉट होता है, एक दूसरा होता है ब्लैक स्क्रीन के अंदर। अब ब्लैक स्क्रीन का आपने किस तरह चेक करना है, टोटली आपने यहाँ पर हाथ रखना है, आपने पिक्चर ले ली, ये पिक्चर ब्लैक बिल्कुल आपने ले ली। अब आप इसको गौर से देखें कहीं पर भी आपको डॉट वगैरह शो हो रहा हो, ठीक है, ये फ़ोन बिल्कुल ओरिजिनल है, ठीक है। और उसके बाद आपने क्या चीज़ चेक करनी है, फेस आईडी में। अभी मैं भाई से डिस्कशन कर रहा था, वो क्या बता रहे थे कि फेस आईडी में सबसे ज़्यादा स्कैम होता है, तो आपने फेस आईडी चेक कर लेनी है टोटली लगा के फेस आईडी। तो इसकी फेस आईडी मैं चेक कर लेता हूँ, फेस आईडी में जाना है आपने, फेस आईडी आपने टोटल चेक कर लेनी है। अगर फेस आईडी के अंदर भी मैसेज हुआ तो फेस आईडी का, कई दफ़ा स्कैम बने के जो लोकल बंदे होते हैं गाँव वाले या फिर जिस तरह भी जिसको फ़ोन के बारे में एंड्रॉयड से आईफोन पे आने वाले को नहीं पता होता कि किस तरह चेक करें। आपको अगर आप सेटिंग्स में ओपन करेंगे यहाँ पर आपको नोटिफिकेशन वगैरह शो हो रहे होंगे कि कोई मैसेज, उसे मैसेज कहते हैं आईफोन की ज़ुबान में, कोई भी चीज़ लगी होगी तो आईफोन आपको खुद बताएगा कि चीज़ चेंज है, ठीक है। बैटरी, अब आपने सेकेंडली क्या चेक, कैमरा वाली साइड से आ जाए। अब कैमरा आपने ओपन करना है और आपने सबसे पहले हाथ रखना है, यहाँ से भी आपको पता लग जाएगा कि फ़ोन के कैमरा के अंदर कोई इशू वगैरह तो नहीं है, कोई मसला तो नहीं है, या कोई टूटा वगैरह तो नहीं हुआ कैमरा से, उसका लेंस तो नहीं टूटा हुआ। तो मैं चेक कर लेता हूँ, देखें अब आप प्रॉपर देख सकते हैं ब्लैक आ रहा है, ठीक है, कोई इशू नहीं है इसके बैक कैमरा में। फ्रंट कैमरा आपने देखना है कोई भाप वगैरह, इसको साफ़ करके मैं देखता हूँ कि इसके फ्रंट कैमरे में तो नहीं कोई मसला। अब ये साफ़ कर लिया, अब आप क्लियरली ये देख सकते हैं कि ये हमारा आपको सेटअप भी शो हो रहा होगा, लेकिन आप क्लियरली चेक कर सकते हैं कि फ़ोन के फ्रंट कैमरा में भी कोई इशू नहीं है। मैंने इसके अंदर हवा मारी फ़ोन के अंदर तो भी कोई भाप के निशान ज़रा वगैरह नज़र नहीं आ रहा, ठीक है, ये भी आपको पता लग गया होगा। उसके बाद आपने क्या चीज़ चेक करनी है, अब आपने इसका इंटरनल ज़्यादातर चेक करना है, बैटरी हेल्थ पे आ जाना है। एंड्रॉयड में तो इतना बैटरी हेल्थ का कॉन्सेप्ट नहीं होता, लेकिन आईफोन में सबसे ज़्यादा मैटर करता है। इसकी 93% बैटरी हेल्थ है, ठीक है, आप चेक कर सकते हैं। और अगर कोई यहाँ पर सर्विस पे आ रहा हो 90, फिर भी आपको यानी 80+ शो हो रही हो, तो वो फोन बैटरी के अंदर इशू हो सकता है उसकी, ठीक है। या फिर आपको मैसेज या बैटरी हेल्थ आपको कई दफ़ा शो ही नहीं होती, तो बैटरी हेल्थ अगर आपको शो ना हो
तो उसका मतलब है कि फ़ोन बैटरी चेंज है उसकी, ठीक है, मोस्टली केसेस में ऐसा ही होता है, ठीक है। उसके बाद आपने चेक करना है, जनरल में आना है। अब आपको मैं नॉन पीटीए और जीवी के अंदर फ़र्क, जो दो तरीके हैं इसके भी चेक करने के, ठीक है। तो मैं आपको, आपने जाना है जनरल में, सेकेंड मैं जनरल में जाके चेक कराता हूँ। जनरल में आके अबाउट वाले सेक्शन में आपने जाना है, और आपने नीचे आके आ जाएगा, या कैरियर लिखा होगा या फिर नेटवर्क प्रोवाइडर लॉक लिखा होगा। अब ये जो मेरे हाथ में फ़ोन है ये जेवी है, और ये जो मेरे हाथ में फ़ोन है ये नॉन पीटी है। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सिम लॉक हुआ है, ठीक है, यहाँ पर इधर देख सकते हैं आप सिम लॉक लिखा हुआ है। इससे आपको पता लग जाएगा ये जेवी फ़ोन है, और यहाँ पर आप देखेंगे ये नॉन पीटी फ़ोन है, ये नो सिम रिस्ट्रिक्शन है, ठीक है, ये चीज़। अब आपको दोनों में पता लग गया होगा, लेकिन कई दफ़ा बहुत ही माहिर होते हैं हमारे कई शॉपकीपर्स, ठीक है, वो ऐसा काम कर देते कि आपको पता नहीं लगने देते, लेकिन ये मोस्टली यही तरीका इस्तेमाल होता है। सेकंड तरीका ये है बिल्कुल सेटिस्फेक्शन के लिए, कि एक और चीज़ है जो फ़ोन चोरी का होता है ना, कल स्टोर जाके बंदे ने रिपोर्ट की होती है कि मेरा फ़ोन चोरी हो गया, यानी एप्पल फाइंडेबल जिसे कहते हैं, वो एक आईफोन वालों का तरीका होता है हाउ टू फाइंड माई आईफोन, ठीक है। वो अक्सर बंदों का जिनका फ़ोन चोरी हो गया होता है, उनने रिपोर्ट वगैरह की होती है, तो आप फ़ोन को दो दफ़ा कम से कम ना रीसेट करके चेक करें। एक दफ़ा रीसेट किया, उसको एक्टिव करें, ठीक है, चलाएं चलाएं, कोई मसला तो नहीं आता। दूसरी दफ़ा रीसेट करेंगे तो आपको कन्फर्म हो जाएगा। अगर जैसे बाईपास नहीं हो जाता फ़ोन, वो वाला सीन हो जाता है कि फ़ोन एक्टिवेशन लॉक मांगता होता है, एक्टिवेशन लॉक मांगता होता है, तो मे बी आपके साथ हो सकता है, अगर आप एक दफ़ा रीसेट करते हैं तो मे बी आपके साल के बाद भी मसला आ जाए, तो आपने ये लाजमी फ़ोन चेक करना है। उसके बाद आपने चीज़ जो चेक करनी है कैमरे के अंदर, आपने, हाँ, एक और चीज़ थी, पोर्ट्रेट आपने चेक करना है। और अगर किस्मत से मेरा पोर्ट्रेट्स आ रहा हो, आपने मतलब पोर्ट्रेट चेक करना है उसका पोर्ट्रेट काम कर रहा है कि नहीं। ये अक्सर पोर्ट्रेट चलता भी है फ़ोन का, नहीं बंदे फोन लेते हैं तो कई दफ़ा बाद में पता लगता है कि पोर्ट्रेट ही नहीं आता। और उसके बाद आपने वीडियो में देख लेना है, 60 फ्रेम करें, ठीक है, कोई भी आपको लैगनेस आए, अगर आपका 7 से मतलब 6 के अंदर भी 60 फ्रेम आते हैं, 6S, ठीक है, तो कोई भी आपको अगर लैग महसूस हो रहा है तो उसके अंदर कैमरे के अंदर इशू हो सकता है, वो अलग बात है। अगर आपकी बैटरी थोड़ी सी कम है तो भी मे बी कई दफ़ा आईफोन लैग कर जाता है, लेकिन आपने चेक करना, अगर फ़ोन अगर हीट भी हो ना, कई दफ़ा गर्मियों के अंदर हीट भी होता है तो तब भी पता नहीं लगता, फ़ोन थोड़ा सा वीडियोस की लैग कर रही तो इतना ज़्यादा मसला नहीं है। उसके बाद आपने स्पीकर्स इसके चेक कर लेने हैं, कई दफ़ा स्पीकर्स के अंदर गंद वगैरह गया होता है तो वो भी आपने लाजमी चेक कर लेना है, कई दफ़ा स्पीकर भी ख़राब हो सकते हैं। स्पीकर हम इसका चेक कर लेते हैं, साउंड के अंदर आपको जाना है, साउंड में जाएंगे आप, साउंड में जाके आपने ये चेक करना है, ठीक है। अब ये देखें बिल्कुल साफ सुथरी आवाज़ आ रही है, और अपना क्योंकि स्टेरियो स्पीकर आता है 8 के अंदर भी, तो आपने चेक कर देना अगर आप 8 सीरीज से ऊपर का ले रहे हैं, स्टेरियो स्पीकर दोनों स्पीकर काम कर रहे हैं कि नहीं, ठीक है। उसके बाद आपने अपनी चार्जिंग पे फ़ोन लगा के चेक करवाना है कि फ़ोन की पोर्ट वगैरह तो नहीं ख़राब, ठीक है। उसके बाद अगर आप पीटीए फ़ोन ले रहे हैं तो आप पीटीए की वेबसाइट पे ऑफिशियल जाके वहाँ पर अपना IMEI कोड लिखें, तो वहां से भी आपको पता लग जाएगा कि फोन पीटीए ऑफिशियल पीटीए या नहीं। वहां पर अगर टिक का ऑप्शन आ गया वेरीफाइड तो वो पीटीए होगा, अगर नहीं आएगा क्रॉस लिखा आ जाता है पीटीए की वेबसाइट पे। उसके बाद आपने इसके जीबीज वगैरह चेक कर लेने हैं, जीबीज के अंदर हम जाते हैं, स्टोरेज तो आपको चेक करने आती ही होगी, इतना तो मसला नहीं, लेकिन फिर भी मैं मतलब ये मैटर करता है अंदर। अब ये 64 GB है, ठीक है, ये भी कई बंदों को नहीं पता लगता आईफोन में किस तरह खोलना है, ये भी आपने चेक कर लेना। अब हम आते हैं टच की तरफ, टच चेक करने के लिए आपने जाना है, कोई भी ऐप आप पकड़ लें, ठीक है, आप इसको पूरी स्क्रीन में घुमाएं, ठीक है, पूरे स्क्रीन में चेक करें, कहीं से अगर कहीं से भी आपका ऐप छूट जाता है तो उस जगह से आपका फ़ोन क्या कहते हैं उसके टच के अंदर इशू हो सकता है। चारों तरफ घुमाएं अच्छी तरह, अभी देखिए कहीं भी इसने मिसिंग नहीं की, अब इसने कहीं भी मिसिंग नहीं की, क्यों? क्योंकि मैंने इसको सबसे पहले तो इसके सील वगैरह चेक कर ली है, कहीं से हवा वगैरह नहीं आई, वाटर पैक फ़ोन, ओरिजिनल फ़ोन है ये नॉन, ठीक है, तो कहीं से भी इसका कोई इशू नहीं निकला। एक और चीज़ है जो आपने लाजमी देखनी है, इसकी अपडेट भी आप देख सकते हैं, अभी हमारा लेटेस्ट चल रहा है 16.3.1, ठीक है,
तो वो भी आपने चेक कर लेना। साथ में ये एक मॉडल नंबर होता है, ठीक है। अब ये कौन सा मॉडल है? ये LLA मॉडल है, यानी ये USA का मॉडल है LLA। ये आपने डिफरेंट देख लेने हैं गूगल पे जाके सर्च करके, कौन सा कोड है किस कंट्री का, ठीक है, वो भी आपने चेक कर लेना है। उसके बाद आपने देखना है यहाँ पर मॉडल नंबर में। अब मॉडल नंबर में आपको M भी आ सकता है, ठीक है, N भी आ सकता चार है। डिजिट डिजिट होते हैं वो, मैं स्क्रीन पे आपको शो हो रहा होगा, वो चार चीज़ें भी आपने लाजमी चेक करनी है। अगर आपने सिर्फ लेना है M वाला मॉडल, ठीक है, क्योंकि M वाला ही ओरिजिनल होता है, यानी ये कोई से रिप्लेस भी नहीं हो आता ना, ये क्लेम वाला फ़ोन होता है, ठीक है, ये ओरिजिनल एक नंबर फ़ोन होता है। समझ सकते हैं आप, मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूँ, ठीक है। आपने ना रिप्लेस फ़ोन लेना है, ना रिफर्बिश फ़ोन लेना है, और ना क्लेम वाला फ़ोन लेना है, ठीक है। जिसके शुरू में M लिखा हो ना, वही आपने फ़ोन लेना है, क्योंकि वो टोटली जेन्युइन और कोई इशू के बगैर होगा। तो उम्मीद है आपको मैं अच्छे से समझा सकूंगा। अगर कोई चीज़ मिस हो गई हो या गलत बता दी हो तो कमेंट सेक्शन में आपने अपनी राय दे सकते हैं। कोई गलती कतई हो गई हो तो माफ़ करना। वीडियो को लाइक कर देना, ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लेना, और यूट्यूब पे सेकंड अकाउंट पे भी फॉलो कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। हरमैन शाह को दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।